कोई आइडिया दे दो और कोई आइडिया आ नहीं रहा था तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया नवरात्रि का दिन था मैं पूजन से उठा था तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको आप चलिए क्या बात है और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया वो इमोशन वक कर गया जैसे गदर क्या थी पहली गदर थी रामायण राम आ, जो है आ, राम राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं वो इतना बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो मैंने कहा ये रामायण है फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रवी में फंसा था अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और उस वक्त अगर अर्जुन पहुँच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता ये कहानी तो लोगों के दिलों में इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता वो कन्विक्शन था मेरे पास तो मैं आ, वो उस कन्विक्शन के साथ में गया मैं खुद रो पड़ा सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं इनकी आंखों में एक नमी आ गई शारिक सर की आंखों में नमी आई इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई तो ये सब होता रहा और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने तो जब ये सब चलता रहा तो मेरा मुझे था कन्विक्शन और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ क्योंकि गदर सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पर खरी निकले और ऑडियंस के इमोशन पर खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते यही हमने पढ़ा है यही हमने सीखा है यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है कोई चीज़ बना दिया इन्होंने हमको बेवकूफ़ बना दिया तो वो वो एक दिमाग में बहुत दस दफ़े पंद्रह दफ़े सोचा और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही शायद वही बात वर्क कर गई इनसे सुनी मैंने परसों लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक, एक एग्जाम्पल दिया आग लगी है

स्टूडियो थे इनको कन्विंस भी करना था और मैं जेनअली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता या इधर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर और ये मेरी लास्ट ट्राई है अगर कुछ करूँगा करूंगा, करूंगा वैसे ही हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती है स्पील वर्क की या किसी की भी तो वो और बेटर होता चला जाता है और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है क्या है हमको नहीं समझ आता तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना नाइन्टीज़ एट्टीज़ पता नहीं जाते नाइनटीन हमारे हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है <laughs> हम पहले हिंदी सिनेमा थे तो वही मैं बोल रहा हूँ गर्व रखना चाहिए हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ हम हम किसी से कम नहीं <laughs> बिल्कुल सर हम किसी से कम नहीं जिंदाबाद है बी प्राउड कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो तुम ही तुम हो और कोई नहीं है वेरी गुड वाह 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 जैसे वा, जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंस ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया आई से तूने न्यूज़ नहीं सुनी अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड सनी क्या ज्यादा मुश्किल था आप बहुत शाय किस्म के इंसान है इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है ज्यादा मुश्किल क्या था तीन चीजों में से उस उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर टू शूटिंग या प्रमोटिंग द दे फिल्म देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था <laughs> क्योंकि क्या मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की और पापा हम लोग पापा तो कब से और हम हमारा पूरा परिवार ही वैसा है और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड उनको पता है हम कैसे हैं पापा ने जो सिनेमा किया आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है बिल्कुल हाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की आ, ड्रामा किया एक्शन किया सत्या काम सब हर तरह की चुपकी इमोशनल रोल्स और सब 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 फिल्में हिट रही हैं आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है पिछले जमाने में नहीं था सिर्फ पापा थे लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं सही जनता देख रही थी जनता जानती थी इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था वैसा बनना मुश्किल था तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री तो उसे शांत रखती है और हम भोले वाले आदमी हैं हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था जनता जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में सकीना को अपने दिलों में ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों, और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर तो तारा खड़ा हो जाता है फिर उसके साथ कौन जुड़ता है रब रब उसके अंदर आ जाता है तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है वही ताकत होती है जिसको हम कहते हैं एंड दैट्स अ रियलिटी एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज देव दे कैन सी दैट कैरेक्टर दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर एंड देर लविंग इट एंड देर लविंग इट एंड माई प्रोमिस टू ऑल माई फैंस ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊँगा ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊँगा क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना ये ये क्या बोलते हैं मासिस वॉट डू यू नासिस पब्लिक इज पब्लिक पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं आप क्या मांस बोल के उसको नीचे कर करो आपको कोई बड़े हो आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है हिंदुस्तान समझो अपने मुल्क को समझो अपने घर को समझो और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं उसकी नकल कर दी इसकी नकल कर ली अपने आप को उभारो कला वो होती है हमारे यहाँ कला थी हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी पूरा देश में जितनी कला थी पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी हमारी कला है वहाँ उनको मत देखो वो तो आगे जा, जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं हम उनकी नकल करते हैं हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का ऐसे करें मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज़ आई सीन एनी वे वे इट शुड भी जिंदगी में कितने किस्से हैं कितने हादसे हैं आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है एंड एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था सुन रहा था और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब आई एम आई समी एम कनेक्टिंग विद दैम बिकॉज वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं यस yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं एंड देर गोइंग आउट एंड डूइंग इट तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देर विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा दे आर डूइंग एवरीबडी इज टैलेंटेड बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया खुश हुए आगे चले ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा ऐसे करूँगा वो कुछ नहीं होता एंड uh, मैं बहुत ज़्यादा भूल गया लव यू टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूँ